जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल, संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए भारत एक मौज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एक मौज में। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी स्टोरी ऑफ अ बिलियन पीपल, मतलब अपने आप में इन्होंने सारे देश की जनता की कहानी अपने आप ही बता दी। और इसमें हीरो हैं विवेक ओबरॉय। समझ में ये नहीं आ रहा है कि विवेक ओबरॉय का करियर नरेंद्र मोदी बना रहे हैं या नरेंद्र मोदी का करियर विवेक ओबरॉय बना रहा है। हिंदुस्तान बनने के बाद भी हम हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। मेरा गुजरात चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी स्टोरी ऑफ अ बिलियन पीपल, मतलब अपने आप में इन्होंने सारे देश की जनता की कहानी अपने आप ही बता दी है। तो अब ये फिल्म देखने के बाद इसमें एक डायलॉग मेरे को दिखा, उसमें डायलॉग में ये है, टाटा साहब जो डिसीजन एक मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं होता। ध्यान से दीजिए, जो डिसीजन एक मिनट में नहीं होता वो डिसीजन ही नहीं है। तो हमारे बड़े बूढ़े पुरखे जो नॉलेज देके गए हैं हमको, जो बोलते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचो, वो सब बेकार की बातें हैं। आप कुछ भी बोल दोगे मुंह से निकाल के, आपके ऊपर बायोपिक बन जाएगा और आप प्रधानमंत्री बन जाओगे। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज़्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज़्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग किया था जिसमें यही विवेक ओबरॉय पैसे लेके झूठे ट्वीट करने के लिए तैयार हो रहे थे। मेरे प्रधानमंत्री के लिए ऐसा झूठा आदमी एक्टिंग कर रहा है यार, मैं समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। विवेक ओबरॉय, आप वो बंदे हो जो पैसा लेके झूठा ट्वीट कर रहे थे और आप बोलो कि स्टोरी ऑफ बिलियन पीपल है, ये नहीं हो आप किसी की, आप तो सुरेश ओबरॉय की स्टोरी नहीं हो ठीक से यार। नहीं ना सर, उसका एक सॉल्यूशन है कि जो आप हमारे बीच में एक्चुअल जो फीस होगी उसमें मोस्टली जो अमाउंट रहेगा वो उसमें रहेगा, लिक्विड में रहेगा। अच्छा ठीक है, एक पार्ट 10 या 20% वो आपका वाइट में रहेगा। तो वो 9 महीने का, जैसे आपने बोला 9 महीने का, तो वो वाइट पार्ट 9 महीने का आपको एडवांस में कर दिया जाएगा और बाकी जो रहेगा लिक्विड पार्ट जो कैश में रहेगा वो पर मंथ एडवांस में आपको दे दिया जाएगा। अच्छा, यही कहूँगा कि जो सच जानते हैं वो जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो मैटर नहीं करते। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि आपको शर्म आ जाती है, अगर मेरे ऊपर कोई फिल्म बने उसको सुरेश ओबरॉय प्रोड्यूस करे और विवेक ओबरॉय उसमें एक्टिंग करे, मैं डूब के मर जाऊंगा। ये कौन से बेटे की बात कर रहा है डैडी? ये अपने बेटे की बात कर रहे हैं। मोदी जी, कुछ तो पर्दादारी है कि आपको इतनी एडवर्टीजमेंट करने पड़ रहे हैं अपने, के फिल्में भी बन रही हैं आपके ऊपर, डॉक्यूमेंट्रीज भी बन रही हैं और हर तरह का शगुफा आप छोड़ रहे हो क्या? मतलब इस टाइम पे ये फिल्म आना, जब आचार संहिता लगी हुई है, ये फिल्म निकालना अपने ही बारे में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रिलीज करी है लेकिन बनी तो आपके बारे में ही, और आपने उसको बिलियन स्टोरी ऑफ बिलियन इंडियंस बोल दिया। आई एम सॉरी, मेरी स्टोरी नहीं है ये, आपने हद कर रखी। हम क्या घास खाते हैं क्या? हर 15-20 दिनों में जुमला चेंज हो जाता है, ऐसा जमाना आ गया है। कुछ दिन पहले ये चल रहा था हाउस द जोश, अब नया आ गया हैशटैग मैं भी चौकीदार। उनका निंदा सुनने से था, वो कुछ भी गलत कर ले, चाहे चौकीदार चोर भी हो, डाकू तो नहीं है ना, चोर है ना, डाकू तो नहीं है ना। आप इस बात से सहमत है? आप सहमत है भाई? आप सहमत है? सब लोग अपने नाम के आगे फकर से लगा रहे हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। इस चक्कर में रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट भी कर दिया
कि 1680 करोड़ ट्विटर इंप्रेशन मिले हैं इसको। दुनिया की आबादी 770 करोड़ है, सबके सब तो ट्विटर पे है नहीं, पता नहीं रविशंकर प्रसाद कहां से ढूंढ के लेके आ गए। लेकिन मैं भी चौकीदार चल रहा है। वो जो बाकी की बातें हुई कहने की कि हम इतने करोड़ जॉब लेके आएंगे और इतना संसाधन लेके आएंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, वो सब छोड़ो, अब सब चौकीदार है। अब इस बात को हम कब से सेलिब्रेट करने लग गए कि हम हमारी खुद की नाकामयाबी है उसमें हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंडो काफी नेक्स्ट। हाँ भाई तुम क्या लाए हो? चुपचाप सारा पैसा इस बैग में भर दो। पीछे अकाउंट नंबर लिखा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। जी मैडम। बजरंगी बजरंगी। देखें जी, सरकार तो सारी एक जैसी होती है, एवरी गवर्नमेंट शोज द मिडिल फिंगर टू द पॉपुलेशन, मगर ये सरकार वो है जो हमें बता रही है इसको एंजॉय कैसे करना है। आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं। अब इस देश में इतने सारे चौकीदार इकट्ठे हो गए हैं तो मेरे को लगता है कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए। लड़कियों को रात को 12 बजे 1 बजे आराम से घूमना चाहिए, हैं, लोगों को अपने घरों में ताले नहीं लगाने चाहिए, दुकानों पे शटर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सब चौकीदार हैं। इतनी चौकीदारी हमारे यहाँ हो रही है, इतना तो माल भी नहीं है हमारे पास लूटने के लिए यार। जीतेंगे हम बार बार जनता हारे हर बार। जीतेंगे हम बार बार जनता हारे हर बार। पहन के मोटे मोटे हार जनता पर करेंगे वार। पहन के मोटे मोटे हार जनता पर करेंगे वार। देश के हम जिम्मेदार जानकार चौकीदार। देश के हम जिम्मेदार जानकार चौकीदार। चौकीदार खबरदार। अब मैं लूंगा मोटर कार बंगले होंगे चार चार। अब मैं लूंगा मोटर कार बंगले होंगे चार चार। कोई घुसना पाए चारों ओर लगेंगे तार। बेदी कोई घुसना पाए चारों ओर लगेंगे तार। सत्ता आई अपने हाथ खूब निभेगा अपना साथ। सत्ता आई अपने हाथ खूब निभेगा अपना साथ। जो भी हमको आग दिखाए मारा उनको घुसा ला। जो भी हमको आग दिखाए मारा उनको घुसा ला। चौकीदार खबरदार। दोस्तों, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद वो अपना रिपोर्ट कार्ड पब्लिक को दे। अब ये तो दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो गलत सलत डेटा दे रहे हैं। हम पूछते हैं तो हमें बोलते हैं कि यार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सवाल पूछने की, अलबत्ता ऊपर से हमें फिल्में और दिखा रहे हैं अपने बारे में। लेकिन अगर रिपोर्ट कार्ड देखा जाए वादों के हिसाब से, आप लेफ्ट कॉलम में रखें कि ये वादा था, राइट कॉलम में रखें ये पूरा हुआ या नहीं हुआ, ना तो कोई जॉब्स का वादा पूरा हुआ, ना ब्लैक मनी का वादा पूरा हुआ, ना 15 लाख का वादा पूरा हुआ, ना जो है इंडिया को सुपर पावर बनाने का वादा पूरा हुआ, ना टेरर अटैक्स कम हुए। जितने जवान जितने आर्मी के पर्सनल इस रिजीम में मरे हैं उससे पहले कभी नहीं मरे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सारी सरकारें पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में लगी रहती है, लेकिन ये सरकार जो है ना बेवकूफ़ तो बना ही रही है और साथ में हमको बोल रही है बेवकूफ़ तो बन गए हो, अब मेरी पिक्चर भी देख लो। सफाई कर्मी बहनों भाइयों के चरण वंदना कर रहे हैं उन्हें धोकर। ये पल एक यादगार पल है, एक यादगार क्षण है। अब ये चाहते हैं कि अगर इतना सम्मानित कर दिए हैं तो अगर सम्मानित की जगह में कहाँ से हम लोगों को परमानेंट कर दें, सरकारी बना दें, ये हम चाहते हैं। या मोदी जी के पैर धुलने से नहीं कोई पब्रित होएगा। आँख दिखावे ना, ठेकेदारी चला रहे हैं, चार चार महीना तीन महीना तनख्वाह नहीं मिल रही है। हंसकाली में काम करत रहे हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, मेरी आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, आपकी बनाई हुई सारी की सारी, आपके ऊपर जितनी भी फिल्में बनी हैं, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स बने हैं, जो भी प्रचार आपका है सब देखूंगा मैं, टिकट खरीद के देखूंगा। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं आपकी फिल्म की टिकट खरीद लूं। लेकिन आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आपने इतने सारे जो वादे करते हैं उनमें से सिर्फ एक तो पूरा कर दो यार, पिक्चर में देख लूंगा। उसा पीछे छोड़े मलिया मोदी मेल। चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल। मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस। महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज।
पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, पर काट के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज। अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज, अरे भारत एक मौज।